एआरएम आगरा के निर्देशन पर परिवहन विभाग की टीम ने पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए पनाहट में सरकारी बस स्टैंड पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, जहां सरकारी बस स्टैंड के अंदर अवैध रूप से रखे 4 खोखों को क्रेन की मदद के द्वारा हटाया गया और थाने भिजवाया गया। परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई से अवैध खोखा संचालकों में हड़कंप मच गया। थाना पनाहट क्षेत्र के सरकारी बस स्टैंड पर परिवहन विभाग द्वारा अवैध रूप से व्याप्त अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। बता दें कि एआरएम आगरा के निर्देशन में परिवहन विभाग की टीम पनाहट पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की। आपको बता दें कि पनाहट सरकारी बस स्टैंड पर अवैध खोखा संचालकों ने कब्जा कर रखा था, जिसको हटाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा एक सप्ताह पूर्व नोटिस चस्पा कर 15 मार्च से 17 मार्च तक इन अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बावजूद भी अवैध खोखा संचालकों ने सरकारी बस स्टैंड से अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए सरकारी बस स्टैंड के अंदर अवैध रूप से रखे 4 खोखों को क्रेन की मदद से थाने भिजवाया। वहीं परिवहन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से इन अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। पहले भी एआरएम आ चुके थे यहाँ बाय डिपो से, तो कार्रवाई चलती रही। देखिए, क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय आगरा क्षेत्र के श्री मनोज मुंडीर जी, उन्होंने बहुत सहयोग दिया, उन्होंने कार्रवाई करवाने के लिए प्रेरित किया। तो सर, ये अवैध रूप से रखे गए थे, क्या इनका टेंडर था क्या? जिलाधिकारी के लिए सूचना दी गई है, एसएसपी को दी गई, उन्हीं के निर्देश से सब कार्य। कितने खोखे यहाँ से करीब हटाए गए? 4 खोखे हटाए गए यहाँ से। क्या अल्टीमेटम दिया गया? 4 खोखे में जो खर्चा पड़ेगा उनसे वसूला गया। डीजी महाराज न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।